प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की मौजूदगी में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 6 साल बाद हो रहा है। सम्मेलन न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 23 साल बाद गुरुवार की रात सबसे गर्म रही। शहर का न्यूनतम पारा 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पूर्व 1999 में अप्रैल के दौरान शिमला का न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। शुक्रवार को ऊना में इस सीजन का अधिक तापमान रहा। प्रदेश सरकार की ओर से मंडलों में सरकार के कामकाज और जमीनी हकीकत जानने के लिए गठित मंत्री समूह पहले ही दिन राजधानी से नदारद रहा, जबकि सरकार ने मंत्री समूह को शुक्रवार से रविवार तक मंडल का दौरा करने के निर्देश दिए। प्रत्येक मंत्री को मंडल के एक जिले में रात्रि विश्राम के साथ 24 घंटे बिताने हैं। देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट होने से बचाने के लिए रेलवे युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की कम स्टॉक से निपटने के लिए जहां मालगाड़ी की लदान और रफ्तार बढ़ा दी गई है, तो वहीं रेलवे ने कोयले की गाड़ियों की तेज आवाजाही के लिए देश भर में 753 फेरे यानी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कनॉट प्लेस में 25 साल पहले हुई फर्जी मुठभेड़ में घायल कारोबारी तरुणप्रीत के परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को इस अवधि के लिए 8% ब्याज के भुगतान के लिए भी कहा है। ब्याज के साथ इस राशि को लगभग 45 लाख होने की संभावना है। बिजली कंपनियों पर लाखों करोड़ों की देनदारी और मुफ्त बिजली देने की राज्यों में मची होड़ ने देश को बिजली संकट की मुसीबत में धकेल दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक देनदारी के बावजूद विद्युत कंपनियां राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रही हैं। चीन के शंघाई शहर में कोरोना के नए मामलों के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए करीब 1 महीने से लॉकडाउन का विकल्प अपनाया है, लेकिन अब लोग इस शहर से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय पैकर्स और मूवर्स के साथ ही कुछ कानूनी फर्मों ने भी इस पलायन की पुष्टि की है। पंजाब में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल 1 और 2 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। शुष्क मौसम रहने के कारण राज्य के 18 जिलों में विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की याचिका खारिज कर दी। आईपीएल 2022 के 42वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हरा दिया। शुक्रवार को पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में लखनऊ की टीम ने 153 रन के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया। लखनऊ के गेंदबाजों ने पंजाब की टीम को 133 के स्कोर पर रोक दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।